अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। और कल तो मैं इतना बिजी था, बहुत ज़्यादा बिजी था और मैं काफ़ी थक भी गया था, इसलिए आज मैं काफ़ी देर तक सोया हूँ। और अभी मैं उठा हूँ, थोड़ी देर हो गई है मुझे और मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैं गया हूँ, मैंने बाहर खाना दिया सबको, और जो मजदूर हैं उनको खाना दिया, ईंटों वालों को, और जो वॉल बना रहे हैं दीवार उनको भी खाना दिया है। और अभी मैंने खुद खाना खाया है। फिर अभी मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर लें। तो अभी का सीन ये है कि अभी जो है ना, ज़मीन जो है ना हमारी, उसकी जो है ना नाप करनी है। तो अभी हम लोग जाते हैं, जाके वहाँ से काशिफ चाचू जो है हमारे, उनकी दुकान में पड़ा है पैमाना जिससे कि नाप की जा सकती है ज़मीन की, वहाँ से हम लोग वो लेते हैं। और फिर चाचू जाहिद भी आए हुए हैं, उनके साथ जाके नाप कर लेते हैं ज़मीन की। और फिर जो भी होगा मैं आपको दिखाता जाऊंगा, आज की रूटीन में जो भी होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तो फिलहाल तो यही है, चल के अभी वहाँ से वो ले लेते हैं पैमाना। तो उस साइड से तो नाप होगी ज़मीन की, उस साइड से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि बिज़ी था। और अभी इस साइड से कर रहे हैं नाप, चाचू तो जा रहे हैं ये लेके। अभी इस बार सुहेल ने पकड़ा हुआ है, पहले मैंने पकड़ा हुआ था। ये ऐसे मुँह छुपाता है जैसे लड़की है, छोटी बच्ची हो क्या मुँह छुपा रही हो? हाँ? सीधा रख यार, सीधा रख, सीधा। चलो अभी वहाँ लगा दिया, अभी चाचू ने सामने भी लगा दिया होगा निशान। तो अभी हम लोग वहाँ पे जाके रखेंगे जहाँ सामने निशान लगा हुआ होगा, फिर हम लोग वहाँ से आगे जाएंगे। आए कांटे वगैरह यहाँ पे काफ़ी गंदी जगह बनी हुई है, इसलिए संभल के जाना पड़ता है। ये भी लकड़ी लगाई हुई है चाचू ने, अभी यहाँ से नाप कर रहे हैं आगे तक। और यहाँ पर देखें, ये इनका काम चल रहा है, ईंट वालों का, ईंटें बना रहे हैं। काफ़ी तेज तेज काम चल रहा है अभी। इस साइड सारी ये बना लिया इन्होंने ईंटें, और इस साइड भी बनी हुई है। ये वाली जो है ना, ये कल बनाई थी इन्होंने शायद, और ये जो गीली हैं ये आज बना रहे हैं। यहाँ पर देखें, ट्रैक्टर से हल चला रहे हैं, यहाँ पे दीवार वगैरह बन रहे हैं ना, तो उन्हें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अभी ये करवा लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता से वो खोदते रहेंगे सही से। फिलहाल जो है ना, यहाँ से जो है ना, असल बात यह है, यहाँ से ये ज़मीन जो है ना काफ़ी सख्त हो गई थी, इस वजह से वो ये करवा रही शायद। काफ़ी सख्त हो गई ना ज़मीन, एक बार यहाँ पर हल चलवा लेंगे तो उसके बाद फिर खोदते रहेंगे आराम से। और वहाँ से भी आधा उन्होंने खोदा है, और आधा जो है ना फिर वो हल चलवाएंगे, यहाँ तक खोदे, फिर आगे जो है ना सारा ये हल चलेगा। और इधर से ये तकरीबन हो गया पूरा, यहाँ तक है सामने जो कीकर है यहाँ तक है। ये मैं इनकी वीडियो बना रहा हूँ, असल में मैं यहाँ पे आया था। ये जो कीकर है ना, ये काफ़ी गंदा हुआ है, ऊपर से कांटे वगैरह, ये इसको हटाऊँगा, इसके कांटे और जो पत्ते वगैरह वो उगते रहते हैं, वो उगते रहेंगे आराम से सही से। और यहाँ पे गड्ढे भी खोदने हैं, दो, एक गड्ढा उधर खोदना है वॉशरूम के पास, एक यहाँ पे खोदना है इस जगह पे, और एक इस जगह पे। उसमें जो है ना सुहांजने के पौधे लगाएंगे, वो जो सामने लगा। अभी इस साइड से ये हल चलेंगे। ईंटें देखें माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा बना ली इन लोगों ने, दो दिन में काफ़ी ज़्यादा ईंटें बना ली। अभी बस ये थोड़ा ही टाइम में तकरीबन ये कम्प्लीट हो जाएंगी ईंटें, और ये दीवार तकरीबन एक महीने में मिल जाएगी दीवार पूरी। तो फिर अंदर से जो काम होगा वो आहिस्ता आहिस्ता से सारा काम होना शुरू हो जाएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं और सुल्तान, बर्फ़ लेने के लिए। ये खड़ा हुआ है सुल्तान मेरे साथ ही, चारपाई को पकड़ा हुआ है इसने। और अभी हमने कूलर भी ले लिया, ये जो है ना कूलर हम लोग फुल भरवा के आएँगे बर्फ़ का। और क्योंकि हमारी जो है ना फ्रिज तो है हमारे घर में, लेकिन वो अभी ख़राब हो गई है, चल रही नहीं है, बर्फ़ बना रही नहीं है। तो अभी हम लोग जाएंगे, जाके बर्फ़ लेके आएंगे। अभी हम लोग बर्फ़ की दुकान पे पहुंच गए हैं, यहाँ से बर्फ़ ले रहे हैं। ये जो कूलर है ये पूरा हमें भरवाना है, काफ़ी सारी बर्फ़ लगेगी इसमें, तकरीबन 8-9 किलो तो लगेगी इसमें। तो अभी बर्फ़ डलवाते हैं। मैं कल गया था, ये लेके आया था चारपाई के लिए, ये चारपाई काफ़ी ख़राब हो गई है ना, तो अभी इसे बनाएंगे मम्मा। क्या होगा आज? अच्छा, अभी इसे काट रहे हैं हम लोग कुल्हाड़ी से, फिर मम्मा इसे बनाएंगी।
मामा के साथ हम भी थोड़ी हेल्प कर देंगे। तो भाई अभी मैं रेडी हो गया हूँ लकड़ी काटने के लिए। पहले भी मैंने एक टुकड़ा काटा है, काफ़ी धूप थी बाहर तो इसीलिए अभी मैं जा रहा हूँ ये पहनने के बाद लकड़ी काटने के लिए। अभी मैं बाहर आया हूँ, काफ़ी तेज़ धूप है तो अभी दिखाता हूँ कौन सी लकड़ी काटी है मैंने। ये देखें, ये वाली लकड़ी मैंने काट ली है और एक टुकड़ा इसका यहाँ पे करना है और एक टुकड़ा इसके बीच में करना है, फिर जाके इसके छोटे छोटे टुकड़े करवा लेंगे। हाँ मैं और सुहेल जाएंगे। इसको देखिए यहाँ तक आया, निकल चल चल निकल चल। और हमने ये जो लकड़ी है ये हमने काट ली है, मैंने साइड पे भी रख दिया। ये देखें दो लकड़ियाँ थी ना, दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये देखें ये यहाँ पे हमने काटी। अभी जो है ना मैं जा रहा हूँ उधर बाहर, मुझे पानी लगा रहे हैं ज़मीन में, अभी हम वहाँ जाते हैं। इससे तो एक बार भगा दें, अभी सुल्तान को ले लें फिर चलते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग बाहर आ गए थे, सोयल वीडियो बना रहा था। अभी जो है ना ये मैं बंद कर रहा हूँ रास्ते, ताकि हमारा जब यहाँ से पानी आएगा तो किसी और की ज़मीन में ना चला जाए, ऐसे सीधा सीधा चला जाए हमारी ज़मीन में। तो पहले ये सारे जगहें बंद करनी पड़ती हैं, उसके बाद वहाँ से जाके ट्यूबवेल चलवाएंगे, बोरंग ट्यूबवेल वगैरह जो भी बोलते हैं आप लोग, जो भी समझो समझो। हम लोग बोरंग भी बुलाते हैं, ट्यूबवेल भी बुलाते हैं। तो अभी ये काम कर लें, उसके बाद चलते हैं वहाँ पर जाके उसे चलवाते हैं ताकि पानी वगैरह आता रहे। तो अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये देखें ये बोरंग जो है ना थोड़ा सा ख़राब हो गया, चल रहा नहीं है। काफ़ी देर से इन्होंने चलाया हुआ है और अभी तक ये चला नहीं है, ख़राब हो गया लगता है हमारी बारे पे। ये बोल रहे थे थोड़ी देर में चल जाएगा, मैं पानी डालता रहता हूँ यहाँ से। अभी ये पानी डाल रहे हैं, अभी काफ़ी देर हो गई, अभी तक ये नहीं चला, अभी वैसे ही कर रहे हैं हरकते हैं। और अभी वो उधर गया हुआ है जो ये इसका मालिक, अभी तक ये चला तो नहीं है, देखते हैं क्या होता है, थोड़ी देर वेट करते हैं। वो बोल रहा तो है थोड़ी देर चलने दो। आ गया पानी, हमने गंदा पानी डाला था इसलिए पहले गंदा पानी आया। सुल्तान देखा, पूरी ज़मीन का पानी गंदा कर दिया, ज़मीन का पानी गंदा कर दिया। गंदा पानी तो सारा निकलना है। अभी जाके पानी आया और अभी यहाँ से पानी जाएगा उधर, दीवार बन रही है ना उसके लिए पानी काम आएगा, यहाँ से सीधा उधर जाएगा पानी। काफ़ी देर के बाद पानी निकला है, अभी यहाँ से सीधा उधर, हमने सामने से जगह बना ली है ताकि सीधा हमारे घर पे ही जाए पानी। वो सामने ब्लू गेट जो है ना वहाँ पे हमारा घर, यहाँ से काफ़ी दूर है। तो अभी हम लोग ने ये चलवाया, फिर यहाँ से हम लोग वापस जाएंगे उधर। इसको देखिए इसने क्या किया यहाँ पर, अभी चड्डी ऊपर कर, गंदा बच्चा। यहाँ पे बैठे हुए थे अंकल, पीछे से जाओ कि धोखा दिया, अभी अंदर जाने वाले थे, यहाँ से उधर पांव रख के चले गए, बच गए थोड़ा। वापिस आ, शर्ट पहन चल, गंदा घर चल, गंदे पानी में नहाएगा, जाओ ना नहा के देखो। हाँ जाओ, बदतमीज नंगा खड़ा हुआ है। अभी वो गिर जाते अंदर फिर वो। तो मैंने इतना गहरा हो गया, अब कहाँ से गहरा हुआ, गहरा कर दिया। सुहेल अभी ये देखिए यहाँ से पानी जा रहा है, कितना साफ साफ पानी यहाँ से देख रहे हैं। पीछे सुल्तान बोल रहे अभी मैं तुझे धक्का दूंगा। सुल्तान तुझे यहीं पे जंप करवाते हैं, रुक जा। हाँ भाग गया, यही था ना जो रुका हुआ था, बोल रहा था मुझे नहाना है, भाग गया। हाँ तो यहाँ नहाना, यहाँ से हमने ये बंद किया है, ये सुहेल साहब ने बंद किया है ये वाला, देखते हैं कामयाब रहता है या नहीं रहता। अभी यहाँ पे सबसे पहले हमने सुहेल ने ये वाला खोला था और ये वाला बंद किया था सबसे पहला हमने ये किया था। नहीं वो वाला पहले किया था। हाँ सबसे पहले मैंने किया था, फर्स्ट वाला वो सामने।
तो यहाँ पे पानी लगाया क्योंकि दीवार बन रही है ना, यहाँ पे पानी की काफ़ी ज़रूरत होगी। अभी तो रोज़ाना ही तकरीबन ये चलाना पड़ेगा। ये पूरा भर गया, ये बंद हो गया, बंद कर दिया। यहाँ से एक और मसला हो गया, यहाँ से ये जो है ना पानी सारा उधर ईंटों की तरफ जा रहा है। अभी ये बंद कर रहे तो हैं, देखते हैं क्या होता है। पानी असल में यहाँ पे कम देना था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गया पानी। चलो यहाँ से बंद हो तो गया, सही हो गया। यहाँ तक देखें पानी पहुँच गया था। अगर नज़र नहीं पड़ती, बंद नहीं करते तो तकरीबन ये सामने ईंटों तक पहुँच जाता, फिर सारी ईंटें ख़राब हो जाती, बहुत बड़ा मसला बन जाना था। अभी जो है ना ये अभी पानी आ रहा तो है यार, आ रहा तो है पानी, फिर भी यार एक तो कई वो आदमी ले गया सामने, भी उससे कई भी लेनी है। चलें भाई अभी ये पूरी रात लगे रहेंगे, काम करते रहेंगे। बल्ब लगेगा, बल्ब आज रात को काम करोगे? कल रात को काम होगा, कल सुबह शुरू करेगा, रात को भी होगा? रात अच्छा। एक तो होल्डर लगा हुआ है सामने सुहेल, अभी ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल इसे गीला करके आई थिंक रख देंगे, फिर सुबह से ये काम स्टार्ट होगा सारा। ईंटें वगैरह बच गई हैं और अभी हम लोग अंदर चलते हैं। अभी हमें जो काम है घर के वो करने हैं, यहाँ का तो काम हमारा कंप्लीट हो गया, अभी जो घर के काम होंगे हमें वो करने होंगे। जी ठंडा पानी, चलो सही। ओ कूलर उठे बारूम पे, चल स्टार्ट करो भाई। अभी सुल्तान का स्टंट देखें, बोरे में झूले पे स्टंट दिखाता हूँ। हाँ क्या स्टंट है भाई? क्या ये स्टंट था? बस झूले से उतर जाना। तो अभी मैं और सुहेल जा रहे हैं बिल वगैरह भरने के लिए वहाँ, और हम लोग जो है ना, ओए गिर गया सुल्तान, गिर गया। आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें सुल्तान नीचे गिरा हुआ है, कब से सोया हुआ, अभी उठा भी नहीं। मैं वहाँ से बाइक लेके यहाँ तक आ गया, ये उठा नहीं। सुल्तान भाई क्या हो गया, क्या हुआ, बड़े गंदे गिरे? हाँ किसके झूले की वजह से? आप तो राइडर बनते हो ना झूले के? इतनी शोखियाँ मार रहा था यार, मैं राइडर बन गया, अभी देखो मैं स्टंट भी कर सकता हूँ झूले पे। यार एक बार में सुकून नहीं आया आपको? ओए राइडर कहाँ रुकते हैं। वाह भाई वाह, वाह क्या स्टंट करके दिखा दिया, जबरदस्त। अभी मैं और सुहेल जा रहे हैं बिल भरने के लिए, और दूध भी लेंगे वहाँ से, और अगर हमें कोई सब्ज़ी वगैरह पसंद आ गई तो सब में, अगर कोई सब्ज़ी अच्छी लग गई तो वो भी लेंगे। फिलहाल सबसे पहले चलते हैं जल्दी जल्दी बिल जो है वो भर लेते हैं, और फिर दूध भी लेके आते। मम्मा एक बोतल दे दें दूध के लिए। अबे ये वाली नहीं, साफ वाली बोतल चाहिए थी। ओए मुजम्मिल बच गया, अभी मुजम्मिल की टांगों में लगता। अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं इकरापी के घर, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे खड़े होके ये खरगोश वगैरह मुर्गियाँ, और इस साइड पे बैठे हुए हैं थोड़े से खरगोश, चूहे पीछे खड़े हुए हैं उस साइड पे। इधर देखें दो खरगोश यहाँ पे आए हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, और भी शायद हों इसके अंदर, ये घास खाने के लिए आए हुए हैं, और भाई और शायद इसके अंदर गए हुए हैं घास के अंदर, और बाकी जो है ना अंदर अंदर बैठे हुए हैं दो, ये बैठे हुए हैं दो नहीं है काफ़ी सारे। सुहेल अभी देख कितने सारे हो गए, बाहर निकले। अच्छा तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके, मैं पेट्रोल चेक किया, अभी हम लोग आगे से जाके ना पेट्रोल डलवाएंगे, हमने दूध वगैरह भी लिया हुआ है। अभी चलते चल के पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं, उसके बाद बिजली का बिल पे करना है वो करेंगे।
तो भाई अभी काफ़ी देर हो गई है, मैं आ गया था वहाँ से सामान वगैरह लेके, सब्ज़ी भी ले ली थी और खाना वगैरह भी बन गया था। अभी हमने खाना भी खा लिया है और बाहर जो हमारे मेहमान या मजदूर हैं उन्हें भी हमने खाना खिला दिया है। और अभी हो रही है काफ़ी रात और अभी मैं सोने लगा हूँ। कल से इंशाल्लाह मैं आपको पूरा काम दिखाऊंगा शुरू से लेके एंड तक। व्लॉग भले बड़ा बन जाए, तकरीबन पूरा व्लॉग बनाऊंगा। और आज का मेरा व्लॉग बस इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।